हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है अगली वीडियो में। तो ये जब सामान वामान डिसाइड हो गया था क्या क्या लेके आना है तैयारियों के लिए, बस अब हम निकले हैं मनी और मैं फिलहाल करने शॉपिंग। सामान जो अपने को डिसाइड अभी जो बताया गया हमें बस वो लेके आते हैं और करते हैं फिर तैयारी शुरू। पर उससे पहले हम चले सबसे पहले मनी के स्टोरेज पे जहाँ पे उसका सामान रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ से हमें कुछ सामान निकालना है अगर मिल जाता तो। मैंने आपको लिंक गूगल मैप्स का मेल कर दिया क्योंकि मेरा नेट चल नहीं रहा। फटाफट ओके। इसको उतार के नीचे साइड में रख दे क्योंकि सेटिंग भी इन लोगों ने की थी, हमारे पास कुछ ही नहीं। अच्छा, ये रख देंगे ऊपर रख देता हूं। ठीक है, कहाँ ले जा रहा है इसको? ऊपर के गिरेगा यहाँ से। अरे पहले पीछे जाने का रास्ता तो बनाए, बाद में उसको नीचे रख देंगे। चलो मैं इसको पकड़ता हूँ। चलो तो डंडे उठा के पकड़ा यहाँ पे। मैं ज्यादा अंदर नहीं आया, मच्छर बहुत बुरी हालत कर रहे हैं मेरी। तो ये वाले चाहिए ना, ऊपर लगाने वाले, ये ले, यही है जो लाइट स्टैंड के ऊपर आएंगे। ठीक है, पकड़ो। हाँ यही तो है। हाँ यही यही चल जाएगा इससे। यार दिस विल वर्क। चलो भाई भाई खा गए इतने करें, बुरा हाल कर दिया। चलो गंदे वाला, चलो ये काम हो जाएगा। मेजर आइटम आ गई। हाँ इससे हो जाएगा। हम पार्टी के लिए या तो ये हम तो कहते हैं इसके वहां से स्टोरेज से ले आए डंडे, उसका काम तो हो गया अपना। उसके बाद हमने सोचा था कि भाई ड्राई आइस वाला काम करेंगे, पर हमने पता किया कहीं ड्राई आइस अवेलेबल ही नहीं है। हमने सब जगह फोन घुमा के देख लिया, कहीं टायर वॉलमार्ट पार्टी सिटी मेट्रो जितने भी हैं यहाँ पे सब जगह घुमा के देख लिया। इसके अलावा जो यहाँ पे जो मेन बड़ी केमिकल वाली कंपनियां भी हैं, जो भी कहते हैं ये वाला सामान सप्लाई करती हैं दूसरी जगहों पे, उनको भी फोन करके पूछ लिया। तो वो कहते हैं वो बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं, छोटी क्वांटिटी में देते नहीं है। और कहते हैं 2 किलो से हम तो देंगे नहीं, हम 2 किलो करेंगे हम, है ना भाई? ओ यार सॉरी, मैं दिमाग नहीं क्यों आ रहा 2 किलो, 12 किलो यार। अब 12 किलो हम करेंगे क्या? कितनी आइस ड्राई कर लेंगे? तो फिर वो वाला सीन तो हो गया कैंसिल। तो अब जो ड्रोन वाला सीन चला था, हमने कहा वहाँ से कुछ ढूंढ के लाएंगे क्या लटकाना उसके साथ। तो हमने कहा कोई नहीं, घर पे देखते हैं पहले, घर पे कुछ मिला सामान मलाए। ठीक है, हाँ बताओ। सुन, जो जिसको पता है, जिसके पास लिफाफा है वही तो ड्रोन में ये लगाएगा। हाँ तो एक ही बंदा लगाएगा, नहीं तो फिर उड़ाएगा कौन ड्रोन? तू अशिकेशन दर तू उड़ाएगा? अरे मेरे को तो पहले ही पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। पहले ही ड्रोन गिरने को तैयार है, बजे कुछ इस पायलट ने कर देनी है। हाँ वो तो लोग ऊपर से ही देख लेंगे, पहले ही सब पता चल जाएगा। हाँ तो ऐसे ही होगा फिर तो, ड्रोन घर के उस तरह से उड़ता हुआ आएगा। हाँ और क्या, मैं उधर से उड़ा के आगे भेजूंगा, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सामने ऊपर आ जाएगा बस। तो जब देखो ये तो अंदर से बैठा के इसको पकड़ाएंगे रिमोट की उड़ा ले। अच्छा। जब उड़ाएगा तो उसको थोड़ी दिख रहा है कि नीचे का लटका, उसके दिख भी सकता है, रंग दिख जाएगा। कमाल है, तो नीचे की तरफ ही करूंगा ना, देखने के लिए। और ऊपर से ये ऐसे फेंक देगा सीधा गले में। अब इतना एंटा कौन लगाएगा यार? ये तो मेरे को एक पुरानी पिक्चर याद आ गई, बाज जोड़ता हुआ हीरो के गले में फूलों की माला डाल जाता है। इसमें तो सरीके फंस जाएगी यार। पता नहीं कौन सी मूवी में था बाज वाला सीन यार। अरे वो धर्मवीर, 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 धर्मवीर उसका बाज होता है। कलर एक ही होना चाहिए माला का, ये दोनों खड़े हो, अगर लड़का है तो इसके गले में फेंक दो, अगर लड़की है तो इसके तभी निशान, तो निशान तू लगाएगी, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, निशाना तू लगाएगी। वो ये मेरी ड्रोन्स के साथ हिस्ट्री बड़ी बेकार है। मैंने ऐसे ही एक नीचे रस्सी बांध के दूसरा पेड़ से निकालने की कोशिश करी, दूसरा ही पेड़ मेटका दिया था। पर लेके उड़ तो जाएगा ड्रोन इसको, ये इसको तो उड़ा बहुत हल्का है, तो ट्राई करना पड़ेगा, मगर एक बार कुछ शॉर्ट ही नहीं कह, ट्राई करेंगे, ट्राई करके देख ले। थोड़ा गैप देखे, ताकि हवा से उड़ के कहीं इसमें ना फंसे, ऊपर से ये वाला धागा ऊपर ना आ जाए। चलो ले आओ भाई, ठीक है, ठीक है।
ठीक है चलो करो एक फाइनल आंसर। ये थ्रेडिंग वाला धागा है वेरी गुड मजबूत धागा है ऐसा मजाक थोड़ी हो रहा है नहीं अच्छा है गुड चॉइस गुड चॉइस। ये तो जमीन से नहीं हाथ से वो टेक ऑफ देना पड़ेगा इसको हाथ से टेक ऑफ कराना पड़ेगा और लाइट पीछे कम होती जा रही है थोड़ा सा स्पीड पकड़े प्लीज क्योंकि 8:15 बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट। तो पहला लेट हो जाए चलो तू चेक ले तेरे कंट्रोल्स क्या हैं। हाँ हाँ मेरे वाले ही और लंबा करना पड़ेगा नहीं हाँ और जिम करना पड़ेगा उड़ तो रहा है सही इसके साथ तो यानी काम तो ये हो सकता है काम हो सकता है लंबा करके वो एयरप्लेन वाला है वो 5,000 में करते हैं 500 में कर देंगे 500 में नहीं इसको ना इसको तेजी से उड़ाएंगे फिर जो पीछे होगा वो ऐसे से आ जाएगा पीछे झपटा मेरा लहरी है ये चीज हमारी काम कर रही है आगे का हम बाकी इम्प्रोवाइज कैसे करना इसको देखेंगे। इसके पीछे मेरे को तो एक और आइडिया आ गया कि इसमें स्मोक बॉम्ब लगाया जाए थोड़ा हवा में परसों जैसे जहाज लगा के उड़ाते हैं हम लोग थोड़ा भारी हो जाएगा इसके लिए उसके लिए फिर हम लोग तक कहां गए करेंगे सवाल तो ये है यहां कर नहीं सकते वो मुझे नहीं पता मगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट करने का मन जरूर कर रही है वो तो कॉटेज में होते ना तो वो भी खुले इलाके में हो जाता है एक्सपेरिमेंट नहीं वो तो नीचे टेप से भी लगा सकते हो उसके नीचे नहीं टेप से क्योंकि इससे सेंसर जो है ना फिर चीखना शुरू कर देगा तो सेंसर ऑफ नहीं होगे नहीं सेंसर लैंड कैसे करेगा सेंसर के बिना हां थोड़ा यहां पीछे करके और कहते हैं थोड़ा नीचे करके और लंबा करके इसको मेरे को लगता है ये ना ये वाला सेंस कर रहा था हां ये तो कहीं रहा है लंबा करना पड़ेगा अपने को तो काफी लंबा करना कल करके देख लेते हैं कल करते हैं इसको बाकी पर वैसे स्मोक बॉम्ब लगा होता है इसके पीछे ज्यादा मजा ना आता वो तो ऐसे पीछे धुआं छोड़ता हुआ है ड्रोन है या फिर एक ले गया उसका वजन होता है यार इसके हिसाब से वो तो इससे ज्यादा भारी होगा इससे ज्यादा भारी है छोटा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा तो मैं थर्ड करा लो हमने क्या एक टेस्ट फिर लंबा करके कर ही लेते हैं लंबा करके ठीक है और हम इससे रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे ओके लेट्स सी मैं ये देखता हूँ कि नीचे का कैमरा करके मुझे ये दिखता है कि नहीं दिखता हाँ ओके लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर टू उड़ा दे हाँ उड़ा दे प्रॉब्लम आ रही है हवा तेज चल रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है इससे मत पकड़ियो तू क्या लटकने लगा नीचे क्यों लैंड करूं चल कर लिया क्योंकि हमारी जेंडर रिवील पार्टी पे आर्क लगा के हमने बलून वाला बैकड्रॉप बनाया था उसमें हमारे 3 घंटे खप गए थे इसको लगाना है हमने ऊपर 2 लाइट स्टैंड्स के ताकि थोड़ा सा बैकड्रॉप वगैरह बनाया जा सके और लाइट स्टैंड आ गए ये जो ये इन्होंने कहीं से जुगाड़ करके मंगा लिए थे हमने ये भी मंगवा लिया था पर इसका ना एक डंडा कम था तो वो पूरा सेट हो नहीं गया एक ऑर्डर भी कर दिया था ऑर्डर भी कर दिया था ये पड़ा मैंने कहा यार तू पैसे खर्च करके तूने मंगा लिया है मैं उससे यहाँ को था नहीं मैंने कहा मेरे पास पड़ा हुआ जुगाड़ चल स्टोरेज में वहां से उठा लाते वहां से हम उठा लाए तब ये $75 का पूरा सेट ही मंगवा था क्योंकि सिर्फ ऊपर वाला मिलता नहीं है तो इसीलिए अब वो वाला काम जो है हो गया
नहीं नहीं वो ना पीछे लगने वाला अच्छा ओके ओके ये वाला तो ये बड़े वाला नहीं है जो ये पीछे लगता वो डंडा गायब है वन डंडा मिसिंग काम हो गया ना ये वाला चला जाएगा ना इसका तो है स्ट्रेचेबल इसीलिए सेम है बिल्कुल बढ़िया तू आ रहा है बहुत इजीली Gusta mi gozar, me gusta mi perrear. ¿Por qué será que vivo con una luz que alumbra mi andar? Que me We got the cake. My God, such a small layer of whipping cream. इतनी प्यारी है ना, देख यानी कि पूरा ऊपर आया है यार. अच्छा. It's very nice. क्योंकि हल्का सा साइड तो टच है, बहुत तकलीफ है. ओह इतना ऊंचा तो फ्रिज में आएगा भी नहीं. बाकी टेस्ट ना पता लगेगा, but for now it looks really nice. मेरा नाम है Wow, this is so cute. नीचे ही पड़ा, नीचे ही पड़ा elephant. No, no, no. Hey, see? Elephant. नहीं नहीं हल्का जो देख, it touched here and the layer is so thin. Oh. Right? Usually इतनी मोटी layer होती है and there's no bread. This one's the layer. I hope the color is not showing. नीचे पिघलना शुरू हो गया. Don't look at it too closely. Color coated cake. अच्छा, this is not the gender reveal color. This is regular. Regular cake. And she baked all this elephant, this and this everything. Holy chocolates. Oh, the elephant there. Ah, नीचे वही तो कह रहा हूँ. Two baby elephants. I like it. We have two baby elephant coming. Yeah. Yeah, actually. Sé muy bien que la vida no es fácil. Trabajo como todos los demás. वेदर चेक करो भाई सबसे पहले तो मेरा वेदर तो दिखा रहा है कि कल कोई बारिश नहीं है आज है बारिश नहीं आज भी कोई बारिश फिर बाहर ही कर लेते जाओ नहीं रात को ऐसा ना हवा हवा में उड़ जाए पर अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो बलून फट भी सकते हैं बाहर हाँ कल 27 डिग्री वैसे बता रहा है फील्स लाइक 30 तक जाएगा 30 डिग्री तक जा रहा है कल टेम्परेचर है ना 30 ज्यादा है अंदर ही कर ले तो फिर लेट्स सेट अप द स्टार्ट सेटिंग अप क्योंकि भाई ये काम इसको अंडर एस्टिमेट मत करो उसमें घंटों घंटों लग जाते हैं जो ब्यूटी डेकोरेशन है उसको करके साइड करो फिर हम फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे हां माइंड फ्री चलो चलो वी विल यूज दिस ये मम्मी और सनी की स्पेशल डिमांड है कि इनको यूज करना ही करना अच्छा ये हमारी शादी पे यूज हुए थे मम्मी को लगना चाहिए कम से कम 5 बार एक चीज यूज हुई है ये एक बार मंगाए थे हमने तब तक खत्म नहीं था रगड़ देने तुम्हारे बच्चों की शादी तक यूज करेंगे इसकी लहंगा ही बनवा लेंगे यार कपड़ा बड़ा मम्मी ने तो कहा था मुझे इसकी साड़ी बनवा ले इसकी साड़ी बन जाएगी क्योंकि है बहुत ना चार मंगवाए थे 5-10 बार यूज होने के बाद अगर आपने साड़ी नहीं बनवाई कुछ नहीं किया तो मम्मी एंड में इसका लास्ट रिजॉर्ट पोचा ही बना लेगी पोचा इसका नहीं बनेगा कुछ और बनेगा इसके बच्चों के कपड़े बन जाएंगे हाँ हाँ मम्मी पोतड़े बना देगी इसके पोतड़े चुभ जाएंगे नहीं वो चुभेंगे देखो अगर तो लड़की तुझे पता होना चाहिए यू आर अबाउट टू बी अ फादर नाउ अरे मुझे लगा एक साइड सॉफ्ट है दूसरी ग्लिटरी है नहीं अगर लड़की हुई तो फिर तो चमकीले लगे सारा कुछ बन जाएगा बनता ही रहेगा हर साल सही बात है उसने मना कर देना कहने एक ही चीज पर डलवाते रहते हो कभी किसी ये भाई आग की तरह ना जैसे हमारी आग तो बेंड होके चली गई थी ये आपका बेंड नहीं होगा इसने हाइट उतनी सेट करना जो दरवाजे से निकल सके या फिर इसको अलग डेकोरेट करो और हॉरिजॉन्टल को अलग डेकोरेट करो के साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ बलून को स्ट्रेट करते हैं और साइड पे करते हैं एक बार बाहर निकालेंगे अटैच उसके साथ फिर कर देंगे तो वही हो गया ना इसको अलग करोगे इसको अलग और ऊपर वाले को अलग ये तो थीम ब्लू या पिंक होती है हम लोगों ने रखी नहीं शादी वाली थीम में कर ली है चलो कोई नहीं बलून्स करके कुछ करो इसको बलून तो करनी पड़ेंगे बलून तो करनी है हमें उसके बाद ज्यादा होगा तो यार नीचे से व्हाइट कर्टन निकाल वो डाल दियो व्हाइट डाल दे इसकी जगह नहीं नहीं ठीक हो जाने हैं तो बलून लगा पिंक लगा दो हमारे उस कमरे कहते हैं मेन मास्टर बेडरूम वाले जो हम पर्दे इतने कभी लगाए नहीं पिंक वो लगा दे वहाँ पे वो इतने भारी है पूरी नीचे आ जाएगी घर वाले कटन हाँ घर वाले कटन लगा दे यहाँ पे चल भाई बलून खोलो अपनी मशीन का चलो जी अगला स्टेप आ गया
ये वही मशीन है जो कहते हैं पहले दो गुब्बारे फाड़ देती है उसके बाद फिर गर्म हो जाती है दो गुब्बारे फुलाने के बाद। डबल वाला तो नहीं है ना आपके, डबल वाले नहीं फूलते, सिंगल वाले ही फूलेंगे सर, सिंगल लेयर ओनली। ओके, ये वाले नहीं है, डबल के लायक जान नहीं है सर। नहीं नहीं, ये सिंगल ही है, सिंगल वाला ही है। फूल तो गया, फट जाएगा, फट जाएगा, नहीं फटेगा, अभी है इसमें, देखो और चिपकाने का जुगाड़ है इसमें। निकल रही है हवा भाई, कहीं से निकल रही है। कितने बड़े हैं इतने में, तो मोटर गर्म हो जाएगी इतना टाइम है। वो दिखाई चिपकाने वाले भी फोटो दे यार, ये क्या मैं कह रही हूँ इसे गोल रखूं या दबा दो हल्का हल्का ऐसे। हाँ जितनी हवा निकलेगी एंड में, ये इतना ही बड़ा है, ऐसा ना होना छोटा है, हम टाई कर दे। तूने निकाल के देखे हैं सबके साइज सेम है नहीं है, देखिए छोटा है। हाँ, अलग कर, सब अलग अलग कर, फिर अलग करो सारे, कलर्स अलग करो और साइजेस अलग करो। अरे मत भार इस यार, ये बांधने में दिक्कत आएगी, बांधोगे कहाँ, इतने बड़े बड़े लगाने में दिक्कत आएगी, उसी वही कह रहा हूँ। तू अलग अलग कर सारे कलर्स, टाइम खराब कर रहे हो। कलर्स सारे एक कलर इकट्ठे कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं साइजेस कैसे करने हैं, फिर उनको जोड़ना कैसे। पहले ये देखो तुम, पहले फोटो देखो जो तुमने यहाँ से ऑर्डर किया है कि कैसे लगे हुए हैं। पहले सबसे छोटे वाले शुरू करो, बस करो डायरेक्टर साहब। फोर मैन लगा, सुपर मैन भी कहने लगी थी तू कर ली ले। ओ यार ये कौन बात देगा इसे, आप तो तभी तो हम कह रहे काट पुलाओ। इतनी जगह और कितना, कोई सौखा तरीका नहीं है इसको बांध दे। बस अभी इसके बाद 100 और है। ओ बंद गया, बंद गया, बंद गया, बाकी सारे आ जाएंगे, सबको दे देना। बंद गया, बंद गया। देवी जी आ गई। अरे ये तो अच्छा लग रहा है। अरे कल तो हम झिक्का सा दिखा रहे थे, आज ऊंचा हो गया। अरे तो ये एक्सटेंडेबल है भाई, मैं यही तो चाहती थी। हाँ कि वसूली हो जाए, वसूली हो जाए, वसूली ना रे, सुंदर लगता है। अच्छा देख लेना मम्मी, चलो वीडियो में आप बता देना कि ब्लू एंड पिंक बढ़िया लगा जो मेरे वाले में था या फिर ये वाला। ये कंपैरिजन थोड़ी है, अच्छा अपनी जगह था। हाँ ये अपनी जगह ठीक है, वो अलग। हाँ हाँ वो जेंडर रिवील का था, ये रिसेप्शन का है। ये अगला बिजनेस चल करना है हमने, है अच्छा। आप ये सोच रहे हो कि भाई ऐसे 20-25 बना के रख दिए फिर रेंट पे लोग ले जाएं। सेम ही होगा, सेम ही बैकड्रॉप जाएगा। हाँ अलग अलग वैरायटी बना के ड्रॉप बैकड्रॉप, यहाँ पे ये बिजनेस अच्छा है ना, रेंट कर सकते हैं। विदाउट पड़ता ऐसे भी तो ठीक है, विदाउट पड़ता हो गया। मम्मी के पैर तो खराब हो जाएगी, मम्मी कहेगी मेरी सड़न यूज हुई। 50-50 करा लो। ये लो देखो जी, ये आपके लिए मैं ब्लैक बलून ले आया हूँ, प्लस मैं ये लेके आया हूँ, ये टेबल क्लॉथ है बॉय गर्ल वाला। अच्छा इसको टांग दो, जो बुफे वाला होगा ना इसको इसके पीछे। अच्छा अबे टेबल क्लॉथ टांग दो, तेरे को जो मिला टांग के तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अरे टांगने के लिए भी लाया हूँ यार, वो लगा देंगे तो ठीक है। टांगने के लिए भी लाया हूँ प्रॉपर स्पेशल टांग वो आइटम, ये लो। हवा भरी जा रहा है, बस पंप देने की देर है, कल तक फूस हो जाएगा, फूस हो जाएगा, गर्ल ही फाड़ दी हवा भर भर के। पहले मैंने भर भी निकल गई थी हवा। यार सनी की चक्कर ना बेहद निकल गई थी हवा। कोई चेप लगाते हैं आपसे। अच्छा अबे चेप ही है, रफू लगा के काम नहीं होगा, पूरा ही गया ये पकड़। लगा दी रफू। सैंड्रा कह रही है भाई इफ द गर्ल थिंग एक्सप्लोडेड इट मींस इट कुड बी अ बॉय। ओमन तू के मार दो सारे। बस कर ये फट गया तो ये भी दोबारा मार नहीं आएंगे, गंद और फैल जाना है। तो ये थोड़ा बहुत और सामान पकड़े ले आएंगे, इनको जो चीज चाहिए थी मेन चीजें उनको मिली नहीं है ना, नहीं मिला ना सामान। अब भैया अब एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, जो सामान लेके आए कह रहे हैं हम लागा देखते हैं कैसा होगा। क्योंकि वो पीछे शाइनी पड़ते तो अच्छे नहीं लगे, राइट।
और ये बाहर जाएगा बैकयार्ड में। तो भी सनी कह अभी सनी और ताशु कह रहे हैं कि पीछे फेंस फॉर बुरी लगेगी, फेंस व्हाइट व्हाइट लग जाएगी, व्हाइट थोड़ी है ग्रे, जो भी है ग्रे सी है, तो इसलिए बीच में ये थोड़े से कुछ फुबड़े से पा रहे हैं, फुबड़े फुम फुम जगह भरनी है, कुछ लगाना है, है ना, कुछ लटकाना पड़ेगा। अच्छा लगेगा, लगता था एक तो पिंक भी था, वो कहते पिंक लगाने नहीं, मुझे बड़े प्यारे लगे थे वो, तो वो कहते हैं ज्यादा पिंक पिंक हो जाना है, बस मेरी गलती, मेरी गलती नजर आती है इनको, हम कह रहे हैं छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े बलून है, हवा इन्होंने इतनी भरी उसके अंदर, वेस्ट हो जाने, अब इतने पड़े हैं यहाँ पे, अभी इसके अलावा भी ये एक पैकेट पूरा फूला नहीं है बलून्स का, अभी इसके अलावा सेम पैकेट एक और पड़ा है, अब अभी दो और लेके आए हैं, और ये और लेके, वो देखो मम्मी यार कितने पड़े हैं, ओए होए ओए होए, दुकान लगानी है, दुकान दुकान लगी जाएगी मम्मी, तो बस अब करते हैं थोड़ी बहुत तैयारी है, बस थोड़ी देर में आने वाली जनता ब्रैम्पटन से वापस, वापस कह रहा हूँ, आने वाली ब्रैम्पटन से जनता सामान आएगा थोड़ा बहुत, तो फिर वो जरा उसका भी थोड़ा मोबाइल आने, वही तो जलेबी। चलो ये वाली वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।